नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश भर में कोविड टीकाकरण का आज पूर्वाभ्यास। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, कोविड 19 का टीका देश भर में निःशुल्क लगाया जाएगा। प्रदेश में भी टीकाकरण पूर्वाभ्यास। देहरादून के 5 अस्पतालों में 25 हेल्थ केयर वर्करों पर कोरोना वैक्सीनेशन का ट्रायल। एनपीए वसूली को लेकर सहकारिता राज्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने समीक्षा बैठक ली। 20 बड़े खाताधारकों पर 300 करोड़ रुपए का है एनपीए। राज्य मंत्री ने बड़े बकायेदारों को बैंकों का पैसा शीघ्र जमा करने को कहा। और नए साल के दूसरे दिन प्रदेश में मौसम ने कराया कड़ाके की ठंड का एहसास। प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर सुबह से ही छाए बादल, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई बर्फबारी। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रव्यापी स्तर पर आज कोविड टीकाकरण पूर्वाभ्यास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि पूरे देश में कोविड का टीका सभी को मुफ्त लगाया जाएगा। डॉ. हर्षवर्धन आज शुरू हुए कोविड टीकाकरण पूर्वाभ्यास का जायजा लेने के लिए दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों का दौरा कर रहे थे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे टीके की सुरक्षा और उसके प्रभाव को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों से गुमराह न हों। उन्होंने कहा कि सरकार टीकाकरण के लिए तय दिशा निर्देशों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि टीके को लेकर आम लोगों में हिचक पोलियो टीकाकरण के दौरान भी देखी गई थी, लेकिन बाद में यह अभियान बहुत सफल रहा। भारत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। वैक्सीन का डेवलपमेंट भी उसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है। सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनेसिटी है और इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देशवासियों से अपील है कि ये वैक्सीन आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है, इसके बारे में कोई भी किसी प्रकार के भी अपने माइंड में मिसकंसेप्शंस ना बनाए। आज का राष्ट्रव्यापी टीकाकरण पूर्वाभ्यास पहले 4 राज्यों में चलाए गए पूर्वाभ्यासों से मिले फीडबैक के आधार पर चलाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस अभ्यास के दौरान वास्तविक टीका लगाए जाने को छोड़कर टीकाकरण की बाकी सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया। पूरे देश में चले इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने पूर्वाभ्यास की सभी गतिविधियों जैसे लाभार्थियों की पहचान, टीकाकरण प्रक्रिया, इंटरनेट सेवाओं की व्यवस्था और टीकाकरण के बाद लोगों पर इसके प्रभाव के आकलन की सारी तैयारियों को देखा। वहीं आज प्रदेश में भी टीकाकरण के पूर्वाभ्यास की शुरुआत की गई। राजधानी देहरादून के 5 अस्पतालों में टीकाकरण का ड्राई रन किया गया है। देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनूप डिमरी ने बताया कि देहरादून के 5 अस्पतालों में 25 हेल्थ केयर वर्करों पर कोरोना वैक्सीनेशन का ट्रायल किया गया। उन्होंने सभी अस्पतालों में केंद्र के दिशा निर्देशों के तहत सभी आवश्यक सेवाओं को दुरुस्त करने की बात भी कही। आज हमने 5 टीकाकरण सत्र स्थल हमने चुने हैं। रानी पोखरी, भोगपुर, भानियावाला, घुड़बुड़ा मोहल्ला में एक क्लिनिक है प्राइवेट महंत इंद्रेश का और एक हमारा गांधी अस्पताल जिला अस्पताल का। प्रत्येक सत्र पे हमारा 2 घंटे में 25 लोगों को हेल्थ केयर वर्कर्स को डाटा का हमारा वो है कि उनको टीका लगाना है और टीका का काम हमारा एग्जैक्ट 10 बजे जैसा कि भारत सरकार ने समय दिया था 10 बजे से शुरू हो गया है और अभी मैं सब देख के आ रहा हूँ। सभी व्यवस्थाएं ठीक है। जहाँ पे कुछ और करने का होगा वो अभी हम विचार करेंगे, उस पर कुछ हमने नोट कर लिया है और हमारे स्टेट लेवल से भी भारत सरकार की भी इस पर नज़र है। तो ये हमारी मॉकड्रिल इसलिए है कि हमारे यहाँ पे कहीं पे कोई कमी अगर कोई कहीं किस प्रकार की नज़र आती है ताकि हम उसको दूर कर सकें और आने वाले समय जब हम वृहद स्तर पर इस टीकाकरण को करेंगे तो ताकि कोई चूक न हो और कोई इसके लाभार्थी कोई वंचित न रहे। वहीं राज्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन अभियान को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जल्द ही कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर आएगी। भारत सरकार का अपने मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद दे रहा हूं कि अब 1 साल लोग मास्क पहन के सामाजिक दूरी बना के बहुत टेंस थे और अब ये आ गया है कि वह वैक्सीन जो है आपातकालीन लगाई जाएगी।
और आज लोगों के कई चेहरे खिले हुए हैं। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे भगवान की कृपा रहेगी तो अब ये स्थितियां सामान्य बन जाएंगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज हो गए हैं। मुख्यमंत्री के फिजिशियन डॉ एनएस बिष्ट ने बताया कि मुख्यमंत्री पूरी तरह स्वस्थ हैं, उनकी सभी जांच रिपोर्ट सामान्य आई हैं। फिलहाल वे कुछ समय के लिए नई दिल्ली स्थित आवास में होम आइसोलेशन में रहेंगे। आपको बता दें कि 18 दिसंबर को उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं प्रदेश में आज कोरोना के 263 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव मामलों की संख्या अब 4,364 हो गई है। प्रदेश में अब तक 1,522 कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। इस बीच पिथौरागढ़ जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने शहर में साप्ताहिक लॉकडाउन लगा दिया है, जिसके चलते जिला मुख्यालय अब शनिवार और रविवार दो दिनों के लिए बंद रहेगा। जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि जनवरी माह में हर शनिवार और रविवार को शहर में पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। आवश्यक सेवाओं में शामिल बैंक, अस्पताल आदि कार्य दिवस में खुले रहेंगे। जनपद पिथौरागढ़ में कोविड का संक्रमण का संख्या बढ़ रहा है, उसको देखते हुए एसडीएम और सीएमओ का अध्यक्षता में स्थानीय तौर पर जो है प्रतिबंध लगाने के लिए निर्देश जारी किया था। पिथौरागढ़ नगर क्षेत्र के एसडीएम और सीएमओ द्वारा बैठक किया गया, वहां के व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से भी सहमति करने तो बैठक किया गया, जिसमें विधायक महोदया ने भी प्रतिभाग किया था। उनके सहमति के उपरांत शनिवार और रविवार को साप्ताहिक रूप से बाजार की बंदी का उन्होंने निर्णय लिया है, उस सहमति व्यक्त किया है। बाजार का प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन यातायात की व्यवस्था को सुचारू रखा जाएगा। अन्य किसी भी जनता के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। उच्च शिक्षा व सहकारिता राज्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने विधानसभा में आज तकनीकी शिक्षा विभाग और एनपीए वसूली को लेकर एक समीक्षा बैठक ली। तकनीकी शिक्षा विभाग की बैठक में उन्होंने अधिकारियों को श्रीनगर और थलीसैंण में स्वीकृत आईटीआई भवन का कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने पाबौं और बुंगीधर आईटीआई भवनों का लोकार्पण कर प्रशिक्षण शुरू करने को कहा। इसके साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों की कमी के चलते पॉलिटेक्निक संस्थानों से पूर्व में हटाए गए संविदा व आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात शिक्षकों को योग्यता अनुसार पुनः सेवा में रखने के निर्देश भी दिए। सहकारिता मंत्री ने एनपीए वसूली की आयोजित बैठक में बताया कि बैंकों में करीब 600 करोड़ रुपए एनपीए हो चुका है। इन सभी बैंकों में 20 खातों का एनपीए लगभग 300 करोड़ से ऊपर का है। आज बैठक में इन सभी खाताधारकों को भी बुलाया गया था, उन्हें बैंकों का पैसा शीघ्र जमा करने के लिए कहा गया है। साथ ही समय पर बैंक ऋण की किश्त जमा हो इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे जितने बैंक हैं, लगभग 30 लाख खाते हमारे बैंकों में हैं, और 30 लाख खातों का टोटल जो एनपीए है वो लगभग 600 करोड़ रुपए हमारा है। और एनपीए भी कोविड काल से पुराना है, कोविड के समय का कोई भी एनपीए हम वसूल नहीं कर रहे हैं। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है, भारत सरकार की गाइडलाइन है, हमारे मुख्यमंत्री जी की भी गाइडलाइन है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 29,99,000 और 80 जो खाते उनका एनपीए मात्र जो है 325 करोड़ रुपए है, और 20 खाते ऐसे हैं जिनका कि एनपीए 300 करोड़ रुपए है। तो आज मैंने टॉप 20 लोगों को बुलाया था और उनसे दो टुक बात हुई है कि वो 30 मार्च से पहले अपना एनपीए ठीक करेंगे। नए साल के दूसरे दिन प्रदेश में मौसम ने आज कड़ाके की ठंड का एहसास कराया है। प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्र खासकर बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड, फूलों की घाटी, रूपकुंड, रुद्रनाथ और बेदिनी बुग्याल में बर्फबारी हो रही है। तापमान में भारी गिरावट के चलते बाजारों में भीड़ कम दिखाई दे रही है। वहीं मैदानी इलाकों में कोहरे के चलते यातायात भी प्रभावित हो रहा है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि रविवार से कई पहाड़ी जिलों में ओलावृष्टि होने का अनुमान है। वहीं 4 और 5 जनवरी को मैदानी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। 6 जनवरी से अधिकतम तापमान में गिरावट के कारण ठंड का प्रकोप और बढ़ सकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे पहाड़ के उत्पादों को बड़ा फायदा मिल रहा है। पौड़ी जिले की बात करें तो 4,112 समूह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के
अंतर्गत संचालित हो रहे हैं। इन समूहों के द्वारा तरह तरह की आर्थिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिनके माध्यम से जिले में लगभग 40,000 महिलाओं को रोजगार मिला है। जब से एनआरएलएम योजना स्टार्ट हुई है तब से आज तक लगभग 4,112 समूह हैं जो बने हैं, और ये समूह जो है अभी वर्क कर रहे हैं, और हर समूह में महिलाएं इसमें जुड़ी हुई हैं, 10 के लगभग एवरेज लगा सकते हैं, 5 से 10 महिलाएं जुड़ी हुई होती हैं, तो ये समूह कार्य कर रहे हैं। तो समूह उसके बाद जो है अपना जो एक MCP बनाते हैं, माइक्रो क्रेडिट प्लान बनाते हैं, फिर उसके बाद जो है बैंक से भी इनका लिंकेज होता है, और अपनी जो है इकोनॉमिक गतिविधि समूह के द्वारा की जाती हैं। तो उसी क्रम में जो हमारे जनपद में कई समूह जो है अच्छी जो है लाइवलीहुड जनरेशन की एक्टिविटीज कर रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण अंचल में महिलाओं को बाजार विकसित करने के साथ ही क्रय विक्रय करने का अवसर भी मिल रहा है। इन आउटलेट्स पर काश्तकारों को अपने कृषि उत्पादों को बेचने का अवसर भी मिल रहा है। मैं बेरोजगार थी और NRLM के माध्यम से हमने समूह का गठन किया और पहाड़ी उत्पादों का ये आउटलेट खोला। इसमें 6 महिलाओं को रोजगार मिला। ये सरकार की बहुत अच्छी पहल, हमें बहुत अच्छा लगा और हमें रोजगार मिला। विकास खंड पावो में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत अभी तक 280 समूह बनाई जा चुके हैं, और जिसमें कि 1670 महिलाओं को समूह से जोड़ा गया है। और हमारा जो यहाँ पे ये आउटलेट है नए पंचायत पावो का गौरा स्वायत्त सहकारिता नाम से, जिसमें कि 12 ग्राम संगठन है और 72 महिलाएं इसमें जुड़ी हैं, और यहाँ पे इन महिलाओं के द्वारा कृषि कार्यों से या अन्य तरीकों से जो भी उत्पादन किया जाता है उसका यहाँ पे विपणन किया जाता है, खरीदा जाता है और बेचा जाता है। आजीविका मिशन से जुड़ी ग्रामीण महिलाएं पहाड़ी उत्पादों के व्यंजन बनाकर भी बाजार में उपलब्ध करा रही हैं। इनमें मंडुवे के बिस्किट, झंगोरे के लड्डू और अरसों को लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। इसमें हम क्रीम रोल बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं, मंडुवा के झंगोरे के लड्डू बनाते हैं, पेटी वगैरह बनाते हैं, और इससे जो है हमारा अच्छा बिजनेस चलता है। हमारा परिवार का जितनी इसमें महिलाएं हैं, समूह वाले हैं, संगठन वाले, सबका अच्छा भरण पोषण होता है इसमें। अल्मोड़ा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत तंबाकू नियंत्रण पर एक दिनी कार्यशाला आयोजित की गई। जिला तंबाकू नियंत्रण सेल से जुड़े स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने पावर प्वाइंट के माध्यम से तंबाकू के दुष्परिणामों पर विस्तार से जानकारी दी। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. सविता ह्याकी ने बताया कि हर साल जिला तंबाकू कंट्रोल सेल द्वारा स्कूलों और बाजार में लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी जाती है। उन्होंने बताया कि तंबाकू निषेध अधिनियम के तहत व्यापारियों को 18 वर्ष से कम उम्र के किशोरों को तंबाकू के उत्पाद नहीं देने के लिए कहा जाएगा। कोरोना की वजह से हम लोग का ये छुट्टियों की वजह से ये नहीं हो पाया। कुंभ मेला 2021 के अंतर्गत सर्विलांस सिस्टम के अधिष्ठान और SDRF के लिए मुख्यमंत्री ने 20 करोड़ रुपए की धनराशि को स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही जनरल टेंटेज कार्य हेतु 11 करोड़ 91 लाख रुपए और पहली किश्त के रूप में 4 करोड़ 77 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। नगर निगम ऋषिकेश में सॉलिड वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य के लिए 2 करोड़ 89 लाख रुपए की स्वीकृति के साथ ही प्रथम किश्त के रूप में 1 करोड़ 16 लाख रुपए की धनराशि निर्गत करने की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री ने कुंभ मेला 2021 के अंतर्गत 23 सेक्टरों में प्रस्तावित चिकित्सा व्यवस्थाओं के कार्य के लिए 27 करोड़ 43 लाख रुपए की स्वीकृति के साथ ही प्रथम किस्त के रूप में 10 करोड़ 97 लाख रुपए की धनराशि निर्गत करने की भी स्वीकृति प्रदान की है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें, साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें कोरोना को हराना है तो मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।